और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अंबाजी मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहां से सीधी तस्वीरें, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज गुजरात पे चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाना है। इससे पहले अंबाजी मंदिर पहुंचे हैं, गौरतलब है कि उन्हें रोड शो में भाग लेना था लेकिन रोड शो का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया, सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया था ये कार्यक्रम। उसके बाद सी वे से पहुंचे हैं वो अंबाजी मंदिर, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर उन्होंने लोगों का पहले अभिवादन किया और उसके बाद अब अंबाजी मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज गुजरात में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होने थे। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 14 दिसंबर को है और आज प्रचार थम जाना है शाम 5 बजे। उससे पहले प्रधानमंत्री का रोड शो होना था लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द किया गया। अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं अंबाजी मंदिर, हालांकि रोड शो के जरिए उन्हें यहां पहुंचना था लेकिन सीवे फ्लाइट से उन्हें पहुंचना पड़ा और यहां पर और अब वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसकी सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अंबाजी मंदिर से, सीधी तस्वीरें। तो गुजरात में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से पहले अंबाजी मंदिर, अंबाजी के शरण में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंबाजी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विधि विधान से पूजा अर्चना और अब आरती करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंबाजी मंदिर से, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने अंबाजी मंदिर का दर्शन किया, अंबाजी के शरण में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। गुजरात में चुनाव प्रचार का ये आखिरी चरण था जो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। गुजरात में जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, प्रधानमंत्री ने खुद यहां पर कई रैलियां की और अब प्रधानमंत्री प्रचार के आखिरी चरण से पहले अंबाजी के शरण में पहुंचे हैं। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की है, उसकी तस्वीरें, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंबाजी मंदिर से। बनासकांठा में अंबाजी का ये मंदिर है, गुजरात के बनासकांठा में, जहां प्रधानमंत्री दर्शन कर रहे हैं अंबाजी के।
करेंगे।